سبيل مريح تنادى يا صاحي كي تستريح. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। तो कैसे हो जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और होना भी चाहिए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। एक आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। और बाकी जो मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैश निकलवाने ATM मिज़ान बैंक में, तो अभी वहीं चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहीं। तो चाबी मैंने उठा ली है, अभी निकलते हैं फिर बैंक से पैसे निकलवाते हैं। तो खैर बॉय, अभी फाइनली गया था वहाँ बैंक, तो भाईजान उधर तो इतना रश है, मैं फिर वापस आ गया। नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ी देर तक फिर चक्कर लगाएंगे, तो बाकी मिलते हैं उसे फिर जब बैंक चलते हैं या कोई और काम। तो अभी यार एक बार फिर जाने लगा हूँ एक और बैंक, दूसरी बैंक में चलते हैं क्योंकि सामान वगैरह लाना है ईद का। अच्छा तो अभी फिर चलते हैं, देखते हैं उस बैंक में क्या हालात है। सो फाइनली गाइस, बैंक से हो गया हूँ पैसे वगैरह निकलवा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ खड़ा रहा, घंटा डेढ़ तो भी निकलवा के मैं घर आया हूँ। बिल्कुल एंड हो गया वहाँ गर्मी में खड़े खड़े हो के। तो बाकी कोई सीन होगा तो दिखाएंगे, मिलते हैं फिर। वेलकम बैक। तो अभी सारा दिन कोई काम शाम नहीं किया, अभी हमारे साथ एक प्रैंक हुआ था। अगर आप भी आपके साथ प्रैंक होना चाहते तो आप पहले वीडियो चेक। शवाल का चांद नजर आ गया, पाकिस्तान में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। चेयरमैन रोतेलाल कमेटी ने भी इस बात का बाकायदा ऐलान करके तस्दीक कर दी। तमाम अहले वतन को जियो न्यूज की जानिब से ईद मुबारक। कैसा लगा मेरा मजाक? लगा मेरा मजाक? तो ईद हफ्ते वाले दिन होगी इंशाल्लाह, उसका भी व्लॉग आएगा। अभी तो माशाल्लाह रात अभी रात हो गई है, तो अभी हमने सोना है या कोई और काम हुआ तो आपको दिखाऊंगा। अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं। और फिर चलते हैं सीधा घर और उसके बाद कोई पता नहीं क्या कर। The next day. So guys, finally back। तो यार सारा दिन कोई काम शाम नहीं किया, अभी उठे हैं माशाल्लाह, जुमा वगैरह पढ़ के आ गए। जुमा भी था तो जुमा वगैरह भी पढ़ कर आ गए हैं। तो अभी कज़न की बाइक आई हुई है, वो कहते हैं इसे वाश कराओ, तो वाश कराने चलते हैं उसे। है भी जो ना, तो दुकान वगैरह खुली होंगी क्योंकि ईद वगैरह का सीन है ना, तो ओपन होती हैं सारी दुकानें। वो भी करवाएंगे, थोड़े से बाल वगैरह भी सेट करवाने साइडों से, बाकी तो कटिंग शटिंग लश पश है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी बाइक वगैरह वाश करवाते हैं, चलते हैं फिर। तो यार बाइक शाइक मैंने निकाल लिया, अभी पहुँचते हैं। उस्मान भाई ने हमारी बाइक चमका दी है, अब लिस्टर लगने वाला रह गया। कदों तक ला रहे हो? हाँ लो घंटा मैं इतने बैठा। सो गाइस वेलकम बैक। तो यार बाइक वगैरह साफ वाश वगैरह करवा ली, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो अच्छी वाश हो गई है। तो कज़न ने कहा था कि बाइक वाश कराना, वो गाड़ी ले गया, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी अब यहाँ नहीं है। तो कज़न ले गया, कहता था उसने कहीं जाना था,
तो बाकी आज माशाल्लाह आखिरी रोज़ा है रमज़ान का और आखिरी जुम्मा है रमज़ान के महीने का। माशाल्लाह अच्छा दिन है, तो आखिरी दिन है माशाल्लाह, तो इस दिन को आप इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो व्लॉग तो कल होगा लेकिन आज हो जाएगा, बल्कि व्लॉग एडिट वगैरह कर रहा हूँ साथ साथ, तो व्लॉग एडिट करके अपलोड कर लूँगा। चलो आप भी देख रहे होंगे जो मैं बात कर रहा था उसी टॉपिक पर आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें आखिरी रोज़ा। तो माशाल्लाह सब के रमज़ान भी रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर गए होंगे, मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो मौसम भी इस बार ठंडा ही था, तो बाकी जो मैंने बात कही है छोटी सी मुख्तसर सी, वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ लग गई होगी। तो बाकी छोटा भी लोग है लेकिन यहीं पे मैं भी लोग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो। इंशाल्लाह मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए दे ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़।